डिजिटल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही पवन महाराज जी से मैं अभी बात कर रहा हूँ। अभी नवरात्र पूजन यज्ञ चल रहा है। अभी हिंदुओं के हर घर घर में, हर परिवार में, देश में हो विदेश में हो, सभी लोग शक्ति की उपासना कर रहे हैं। नवरात्र पूजन शुरू है, आज तृतीय दिवस है। चंद्रघंटा की आज पूजा होती है और चंद्रघंटा की पूजा करने से बुद्धि विकास तीव्रता, बुद्धि में तीव्रता होती है, तेज प्रखर ब्रेन बहुत तेज होता है बच्चा को। ये सबको उपासना चंद्रघंटा का स्मरण करने से माने प्रखर बुद्धि बन जाती है। बूढ़े हो, आजकल हम देख रहे हैं बूढ़े जवान या बच्चे को यादाश्त कमजोर होता जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने सोचा जो डॉक्टर साहब सब ज्यादातर माने अपना निकालते हैं उपाय सब, वहां उनको विभाग में है, क्या हम लोगों के धर्म शास्त्र में है, इस पर मैंने मंथन किया तो हमें दो जगह बड़ा सुंदर मिला। अगर बूढ़ा हो जवान हो या बच्चा हो, किसी को अगर बुद्धि तेज करना हो, प्रखर करना हो, स्मृति यादगारी को अच्छी बनानी हो, तो उसके लिए भगवती की उपासना करे और साथ ही साथ हम रामचरित माने वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में एक श्लोक हमको मिला और एक भगवती में भी कई श्लोक हैं, लेकिन एक ज्यादा है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये श्लोक को भी माने जप करने से कुछ 11 बेर हो 21 बेर हो जो पार लगे, चलते फिरते बुद्धि प्रखर होती है, यादाश्त जो है से लौटता है। और एक सुंदर कांड में हमको वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत में भी एक श्लोक मिला, जब हनुमान जी सीता के अन्वेषण में लंका में घर घर पर खोज किए, कहीं सीता की पता नहीं चली, तब हनुमान जी एकाएक उन्होंने एक श्लोक उनको एकाएक स्तुति किया। उस स्तुति में कहा गया है 36 करोड़ देवता की स्तुति एक लाइन में एक श्लोक में ही है। उन्होंने श्लोक माने ये सुंदर कांड जो सर्ग है उसके 13वां अध्याय के 59वां श्लोक है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।